हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में रबी सीजन के दौरान की जाने वाली खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैफेड के प्रबंध निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खरीद प्रक्रिया को लेकर की गई बैठक के बाद संजीव कौशल ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के और खरीदी गई उपज का 3 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारदाने के साथ साथ मंडियों से अनाज का समय पर उठान भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में 5650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। 5440 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का चना खरीदा जाएगा। 15 मई से 8558 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर मूंग की खरीद की जाएगी। 1 से 15 जून तक 6760 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि सीजन में 50,800 मीट्रिक टन सूरजमुखी, 14,14,710 मीट्रिक टन सरसों, 26,320 मीट्रिक टन चना, 33,600 मीट्रिक टन समर मूंग की पैदावार होने की संभावना है। वहीं संजीव कौशल ने बताया कि उन्होंने हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, खाद्य और आपूर्ति विभाग और हैफेड द्वारा मंडियों में सरसों, समर मूंग, चना और सूरजमुखी की खरीद शुरू करने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।